हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन अनदर एपिसोड। आज हम आपको जो रेजुलम का चेसर इफेक्ट है उसे आफ्टर इफेक्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बना सकते हैं, बिकॉज जो इसका ओरिजिनल इफेक्ट है वो पेड है। तो हम आप कस्टम तैयार कर सकते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट में वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। मतलब आप 5-4 मिनट की मेहनत से अपना अपना पैसा भी बचा सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने एक ग्रिड बनाया है, ग्रिड को मैं ड्रॉप करता हूँ। तो ये मेरा एक ग्रिड है, आप भी अपने हिसाब से कि आपने क्या LED का साइज़ बनाया उस हिसाब से अपना ग्रिड बना सकते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, सिंपल न्यू कंपोजिशन में सॉलिड लेयर लेना है। सॉलिड लेयर लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये पैनल ग्राउंड करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इस पैनल का साइज जो भी आपने ग्रिड आपने LED वॉल जो भी लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर मान लो ये पैनल का साइज हम मान लेते हैं 80 है, 80 है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 856 विड्थ हो गई और 8×32 320 इसका विड्थ हो। तो इसे हमें ओके करते हैं और इसे यहाँ ड्रैग किया, लेट्स गुड। ठीक है, गुड। हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी सेंटर कर दीजिए आप, CENTER, that's good। एंड उसके बाद फिर एक सॉलिड, और इस बार हमने साइड के विंग्स हैं तो विड्थ हमारा होया दो पैनल का 160 एंड हाइट हमारी 4000। देन ओके, तो ये हमारा एक पैनल बन गया है, इसे हम लोग यहाँ ड्रैग करते हैं। दैट्स गुड। ठीक, ये साइड का विंग्स हो गया। उसके बाद एक कंपोजिशन और लीजिए, सॉलिड सेम साइज का, इसे भी ओके कीजिए। ये यहाँ से हम लोग यहाँ ट्रैक करते हैं, एक कंपोजिशन और लीजिए। हम लोग इस कंपोजिशन अलग ले भी सकते हैं और इसके अलावा हम लोग डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कंपोजिशन नई बनाए तो बेस्ट है। That's good। Then एक और कंपोजिशन सॉलिड, ओके, ये आपका रेडी हुआ। देन एक और सॉलिड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइट कम कर देंगे क्योंकि ये चार पैनल्स लगे हैं, तो 3×2×0। ये हाइट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज आपने जो पैनल आपने जो LED वॉल लगाई है कुछ भी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना उसे, तो दैट्स गुड। एंड एक सॉलिड और ओके, अब आपकी प्लेसिंग हो गई यहाँ,
ठीक है, अभी आपके पास ये बच गया कंसोल। कंसोल के लिए भी आप सॉलिड कीजिए, सॉलिड एंड फिफ्थ कीजिए 5 6 5 7 एंड हाइट कीजिए, आप सिंगल पैनल है तो 8 0 इसे आप करेंगे ओके। और इसे भी उठा के आप यहाँ प्लेस कीजिए, दैट्स गुड। आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी आपने जो ग्रिड किया है उसे तो आप रिमूव कर दीजिए, कोई उसका काम नहीं है ठीक है। और उसे उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इन्हें आप यहाँ ले आइए, ओके गुड। देन आपने सिंपल ये करना है, इनकी सभी को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसे क्लिक किया, सॉरी सेलेक्ट किया, देन ट्रांसफॉर्मर में जाइए एंड ओपेसिटी आप पे क्लिक कीजिए, और ये हमें एक जीरो कीजिए, तो हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं जीरो कीजिए ठीक है। देन उसके बाद दैट्स गुड। देन उसके बाद हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया, फर्स्ट के बाद हमने सेलेक्ट किया सेकंड, इसे थोड़ा सा ओवरलैप, थर्ड थोड़ा सा ओवरलैप एंड फोर्थ आपका थोड़ा सा ओवरलैप, आपका थोड़ा सा ओवरलैप, उसके बाद सिक्स, उसके बाद आपका सेवन, एंड उसके बाद आपका एट। तो ये थोड़ा मैंने उस हिसाब से थोड़ा कम ले लिया है। अब उस समय अबाउट जो नया कंपोजिशन बनाएंगे वो 6 सेकंड का लीजिए ठीक है। तो अब हम इसे प्ले करते हैं, ओके डन। इसे आप अभी आप इसे रेंडर कीजिए, सिंपल ऐड टू रेंडर हाई क्वालिटी, यहाँ आप क्विक टाइम की जगह DXV एंड अल्फा ओके। और रेंडर में आप यहाँ देख सकते हैं CHASER ठीक है ओके। देन रेंडर ओके, ये हमारे पास फाइल रेंडर होके आ गई है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे एडिट, इसमें कौन से फोल्डर में गई है ये आपके, ओके ठीक है, तो हमें इसे रेजुलियम में ट्रक करते हैं। और तो ये देखिए हमारा एक चेसर बन गया है, आप देखिए यहाँ से हम लोग इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स गुड नॉट बैड। और उसके अलावा अगर आप चेसर में आप कलर्स देना चाहें तो दे सकते हैं, आपका कलर देखिए ओके,
इसमें आप कलर में आइए, कलर में आते हैं, इसमें आइए, देन आप टाइमलाइन पे कीजिए। गुड, आई थिंक बेस्ट। तो इस तरह से हम लोग चेजर बना सकते हैं। चेजर बहुत ही इजी है, कोई मतलब इतना हार्ड नहीं है। और यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके लिए इतना अच्छे अच्छे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो प्लीज यार आप वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक भी कीजिए यार, और अपने अपने जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, वो भी कमेंट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।